तिरंगे में लिपटा घर पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा जन सैलाब, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद का पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ उनके घर पहुंचा। अमर शहीद का पार्थिव शरीर जिस भी रास्ते से होकर गुजरा, लोगों का हुजूम उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा और भारत माँ की जय के उद्घोष के साथ अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनके अंतिम दर्शनों के लिए राजनीतिक बंधनों को तोड़ते हुए क्षेत्र के नेताओं ने अमर शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक के महुवी शेरपुर निवासी हरिनारायण तिवारी के बड़े पुत्र विवेक तिवारी मातृभूमि की सेवा के जज्बे के साथ 3 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। इस दौरान वे कश्मीर में भी भारत माँ की रक्षा करने के लिए तैनात रहे। विगत 7-8 माह पहले भारत बांग्लादेश सीमा पर उनकी तैनाती की गई थी, जहां घुसपैठियों से आमने सामने की लड़ाई में बड़ी बहादुरी के साथ उन्हें पीछे धकेल दिया। घुसपैठियों को खदेड़ते समय विवेक तिवारी हादसे का शिकार होकर भारत माँ के गोद में हमेशा के लिए सो गए और 28 वर्ष की उम्र में बहादुरी का परिचायक बन अमर हो गए। आपको बता दें कि विवेक तिवारी की शादी 2 वर्ष पहले मनीषा तिवारी के साथ हुई थी, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बड़े लाड प्यार के साथ आभा रखा गया, जिसकी उम्र लगभग 1.5 वर्ष है। विवेक तिवारी के पिता एक किसान हैं और उनकी माता चंदा देवी एक गृहिणी हैं और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। जैसे ही पार्थिव शरीर घर पहुंचा, परिवार में कोहराम मच गया। देश के लिए शहीद हो गया। अगर मैं धृतराष्ट्र होता तो अपने 100 बेटों को इस देश पर कुर्बान करता। मैं इंस्पेक्टर महेश कुमार 159 बटालियन BSF, जो कि मालदा में डिप्लॉयमेंट है वेस्ट बंगाल फ्रंटियर में, और ये जो विवेक तिवारी कांस्टेबल हमारा शहादत को प्राप्त हुआ है, वीरगति को प्राप्त हुआ है, ये 40 कंपनी जो हमारी थी उसमें ड्यूटी, रात के ड्यूटी के दौरान इनकी स्मगलर तस्कर जो होते हैं बॉर्डर पर, उनके साथ मुठभेड़ हुई और ये वीरगति को प्राप्त हुआ। आप इस यहाँ पर लग ही नहीं रहा, इस गाँव में इस पूरे शहर की भीड़ को इकट्ठा करने के बाद, देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, एक अगर कम हुआ है तो 10,000 भर्ती होने के लिए भी तैयार है। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। विष्णु पांडे, मैं मिर्जापुर के थाना चिल्ल में पोस्ट है मेरा, कांस्टेबल के पोस्ट पर। हम दोनों लोग साथ ही तैयारी करते थे, इसका संयोग से उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हो पाया ये, उसके बाद इसके SSC GD में हुआ। मैं इसे कहता था कि कोई सामान नहीं ले लेकिन ये इसको जो है देशभक्ति का ऐसा जुनून था कि कदम मैं पहला प्रेफरेंस BSF का ही दूंगा, इसके बाद कोई दूंगा। आज जो है क्या करना, इसने देश के लिए अपना जो है जान न्योछावर कर दिया, हम उसको सलाम करते हैं।